कोटड़ा में जनप्रतिनिधियों का धरना 2 घंटे चला, जिसमें जिला उप प्रमुख ने सूझबूझ से करवाया दोनों ही पक्षों में समझौता। जिला प्रमुख पुष्कर तेली ने विकास अधिकारी को मौके पर बुलाकर सरपंच संघ व जनप्रतिनिधियों के बीच सुलह के लिए दोनों ही पक्षों को आपसी तालमेल से कार्य करने के लिए व क्षेत्र में विकास करने के लिए दी सलाह। दोनों ही पक्षों में आपसी तालमेल बिठाकर कार्य करने को कहा, जिस पर जिला उप प्रमुख ने गुड़ खिलाकर दोनों ही पक्षों का मुंह मीठा करवाया। जिला परिषद सदस्य रंजीत कुमार, भोलाराम व मोदी देवी, सरपंच संघ अध्यक्ष शंकरलाल पारगी, सचिव जीजा देवी, उपाध्यक्ष अरुण कुमार, प्रधान सुगना देवी, उप प्रधान मोदी देवी, पूर्व प्रधान मुरारीलाल बुमबरिया गोगुंदा, पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा भील सहित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। पंचायत समिति सदस्य सहित सरपंच संघ के सदस्य सुबह से ही दे रहे थे यहाँ 2 घंटा पूर्व से ही धरना, जिस पर जिला उप प्रमुख ने दोनों ही पक्षों में सुलह करवा कर धरना समाप्त किया। सरपंच साहिबान, प्रधान साहब, पूर्व प्रधान साहब मुरारीलाल जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष निर्मल जी, सभी लोगों ने एक ही स्वर में कि भाई आने जो घटनाएं या दुर्घटनाएं हुई वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और अच्छे से अच्छा मिलके और बढ़िया से बढ़िया सभी मिलके अच्छा पंचायत समिति का विकास करेंगे और इस पंचायत समिति को अच्छी मॉडल पंचायत समिति बनाने का प्रयास करेंगे।